नैनीताल उद्धम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भाजपा का तख्ता पलटने का मन बना लिया है और आगामी 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। काशीपुर स्थित कांग्रेस भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में महानगर जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के साथ पूर्व विधायक नैनीताल संजीव आर्य और अनुपम शर्मा शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मीटिंग में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुटता से चुनाव लड़ने पर धन्यवाद दिया। इसके साथ ही आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना में बनाए गए एजेंटों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार ही बनने जा रही है। आज देश में भाजपा शासन की नाकामियों की वजह से जनता परेशान और हताश है। महंगाई चरम पर है, जिससे परेशान जनता ने भाजपा सरकार का तख्ता पलटने का मन बना लिया है। मतगणना 4 तारीख को होगा। मतगणना में जो हमारे मतगणना अभ्यर्थी अंदर बैठेंगे, जो मुलाकात और बाकी मुझे सुनाओ का धन्यवाद करने में आया हूँ। सबसे बातचीत करेंगे, मतगणना कैसे करेगा, उसको लेकर क्या सावधानियां बरतनी है, उसी तरह बातचीत करना है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, पूरे देश में जीत रही है और जिस सीट पर कांग्रेस जीत रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और हमारी पार्टी ने कहा है, आपने सुना भी होगा कि ये कोई मैनिफेस्टो में लिखने की बात तो होती है कि हम 5 नहीं हम तो 10 देंगे, लेकिन ये काउंट करने की बात नहीं है। ये कोई वो नहीं है कि हम खैरात थोड़ी दे रहे हैं जनता को, वो तो सरकार का काम है। किसान से अनाज लिया जाता है, वो गोदामों में भरा जाता है, वो इसीलिए भरा जाता है कि देश की जो जनता जिसको आवश्यकता है उसको अनाज दिया जाए। पूरी मेजॉरिटी से हमारी गठबंधन सरकार, आप किसी दिल्ली की सीटें देख लीजिए और हरियाणा की सीटें देख लीजिए, पंजाब की आने वाले समय में चुनाव होने वाला है और यूपी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। पूर्ण विश्वास है कि गठबंधन सरकार की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। सांसद का चुनाव, एमपी का चुनाव बड़े तन मन से और शिद्दत के साथ लड़ाया है। उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करने के लिए माननीय प्रकाश जोशी जी काशीपुर कांग्रेस भवन में पहुंचने वाले हैं और वो सबका शुक्रिया अदा करके, जो कि हमारी 4 जून को काउंटिंग हो रही है हमारे चुनाव की, तो उनके जो हमारे एजेंट हैं पोलिंग वहाँ पर काउंटिंग के लिए, उन लोगों से भी वो वार्ता करके उनको कुछ गाइडलाइन देंगे, कुछ समझाएंगे और सबका शुक्रिया अदा करके फिर उसके बाद भाजपुर जाएंगे, गदरपुर जाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।